क्या हालत बना लिया बड़ी माँ? वो अभी नींद में है, आप जरा जरा आइए। जी डॉक्टर। इन्हें एक नर्स की जरूरत है, ये 24 घंटे इनके साथ रहे, क्योंकि किसी एक कन के साथ होना बहुत जरूरी है। श्योर डॉक्टर, आप एक अच्छी से अच्छी नर्स का इंतजाम करिए और जितने भी पैसे लगेंगे वो मैं दे दूंगा, लेकिन किसी नर्स की जरूरत नहीं है। जब माँ के साथ एक बेटी हो तो किसी नर्स की क्या जरूरत है? डॉक्टर मैं हूं ना, मैं इनकी देखभाल करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने इनकी दवाइयां लिख दी। एक खास बात, जितना हो सके इन्हें आराम करने दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्मिता तुम यहां? अब ठीक है ना? हाँ, इसे यहाँ किसने बुलाया? पूछ के इसे बोल दे मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। अगर मैं मर भी रही होंगी ना तो इसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब तक आप चुप थे, अब पूछ के आ गई तो आप बोलने लगी और अपने बेटे से ऐसे बात कर रही हैं। जिसने मेरी पूछ की का दिल दुखाया हो, उससे किया हुआ वादा ना निभाया हो, वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? इसे बोल दे पुचकी, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है, अब चुप रहिए, आराम कीजिए। मुझे माफ कर दे पुचकी। अरे भाभी क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बोल लेते मेरी मौका मिले ना मिले। अब ऐसी बात करेंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तू तो एक सच्ची और अच्छी बहू है मेरी। बहू नहीं, बेटी हो, आपकी बेटी। खबरदार अगर मुझे बहू कहा तो। बड़ी माँ हो आप मेरी, और मैंने यहाँ कोई कर्तव्य निभाने नहीं आई, मैं अपनी माँ के पास आई शांतनु की नहीं। बोलो पार्वती। शांत तुम कहाँ हो? तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम जहाँ भी हो वहाँ से प्लीज निकलो। मैं भी नहीं आ सकता। जाओ शांत। मैं यहाँ हूँ, मैं संभालूंगी, लेकिन अगर तुम्हें वहां से कॉल आ रहा है इसका मतलब वहां कोई नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तुम जाओ। बड़ी माँ, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? आई होप सब ठीक हो। क्यों उससे इतना प्यार करती है पुचकी? रोज सूरज क्यों उगता है, फूल क्यों खिलते हैं, बारिश क्यों होती है, इसकी का जवाब है बड़ी माँ? नहीं ना, बस ऐसा ही कुछ हर दिल का भी होता है। क्यों किसी को इतना चाहता है कैसे बताओ, अपना बस कहाँ चलता है दिल पर। लक्ष्मी नारायण अभ्यनमः स्वाहा।
डॉय, क्या है ये सब? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहा है ये? बंद करो इसे। पापा देखो, पापा ये पागल हो चुका है। अरे अपनी जिंदा माँ का श्राप कर रहे हैं पापा। डॉय, बंद कीजिए ये सब। भाभी, भाभी, भाभी आप इसको रोकिए। भाभी पागल हो चुका है भाभी। जोए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ? आपको क्या हुआ पंडित जी? आप चालू रखिए। ओम राम देवता भयो राम। ओए बंद करो ये सब। पंडित जी बंद कीजिए शराब। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। ओम सचिव पंद्रह अभियान स्वाहा। बस करिए हृदय। पढ़िए हृदय। बस कर दीजिए हृदय। आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? हम जिंदा हैं। अटक क्यों गए पंडित जी? आप चालू रखिए शराब। लेकिन यजमान पूजा की विधि तो संपन्न हो गई। शुरू कीजिए। माँ के मर जाने पर बेटे का मुंडन किया जाता है। छत्र छाया छिन जाने का सिंबल है ना ये। शुरू कीजिए मुंडन। बस करिए रिजॉर्ट, बस करिए। क्या क्या हाथ जोड़ते हैं, हमारा और तमाशा मत बनाइए। आप शुरू कीजिए रिजॉर्ट। प्लीज बंद कीजिए तमाशा। जिंदा खड़ी है तुम्हारे सामने और तुम श्राद्ध कर रहे हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कुछ समझ नहीं आता तुम्हें? सब समझ में आ रहा है मुझे। इन्होंने मेरे प्यार का गला खोद दिया, मेरी मोहब्बत का खून किया है। मेरी अस्मिता जी को घर से बाहर निकालकर हमारे रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की है। मर चुकी है ये मेरे लिए। जीते जी इन्होंने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया, पर मैं तो फिर भी इनके मरने पर आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर रहा हूं। आप जाइए, आइंदा मेरे काम में मेरे लाइफ में दखल मत देना, क्योंकि मेरी जिंदगी के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग मेरे लिए मर चुके हैं। एक मेरी माँ और एक आप। क्या बोल रहा है तुझे? बस यही कहना और सुनना रह गया था ना। ये सब करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचा ना मम्मा के बारे में, अपने दादा के बारे में, और आप लोग ने अस्मिता जी को घर से बाहर निकालने के वक्त सोचा था मेरे बारे में। अच्छा होता कि आप लोग मुझे उस वक्त मर जाने देते, तो ना मुझे ये करना पड़ता, ना आपको ये सब देखना पड़ता, और इस वक्त उस जगह मेरा शायद हो रहा हूँ। We'll be right back.
बार आइंदा मुझ पर हाथ उठा रहे। बड़े भाई पर हाथ उठाता है, मेरे दादा पर हाथ उठाता है तू। आप हृदय पर हाथ नहीं उठाएंगे, आप हृदय पर नहीं उठाएंगे, आपको हमारी कसम है। बहुत गुस्सा आ रहा ना मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा ना मुझ पर। तुम मारिए ना मुझे। हृदय क्या कर रहे हो? हृदय क्या हुआ? मारिए मुझे, आपका मन कर रहा है ना मुझे मारने का, तो मारते क्यों नहीं? वैसे भी अंदर से तो मुझे मार ही चुके हैं ना, तो मारिए ना। अरे मारते क्यों नहीं है आप? मारिए मुझे दादा, हाँ ये लीजिए, उठाइए अपना हाथ और मारिए मुझे, मारिए मुझे। देख रही है भाभी, एक लड़की के चक्कर में दोनों भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा है। अरे हमारे घर में तो मॉडर्न महाभारत चल रहा है, मॉडर्न महाभारत। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आज इन दोनों भाइयों में से सिर्फ एक ही बचेगा, एक पक्का जाएगा। क्या हुआ? मारिए, चलिए बड़ी माँ थोड़ा सा सूप पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। आराम से। इतनी भी आदत मत लगा अपनी कि तेरे जाने के बाद रहना पा। इस वक्त मैं यही हूं ना आपके पास, जब तक आप ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहां से कहीं नहीं जाना, समझिए आप। और हाँ, अपने दिमाग को ना थोड़ा आराम दीजिए, यहां वहां की फालतू बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं। तू यहाँ रह पाएगी? इन बदनाम गलियों को तूने बहुत पीछे छोड़ दिया। तू यहाँ रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? पानी पी लीजिए पहले, पानी पी लीजिए। मेरी माँ ही मायका है मेरा, और वैसे भी एक बेटी अपने माँ के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी सह सकती। दुनिया क्या सोचती, अगर ये भी मैं सोचूंगी तो फिर दुनिया क्या सोचेगी, है ना? फिर दुनिया को अपना काम करने दीजिए और मुझे अपना। मैं तो बस अपनी बड़ी माँ को ठीक करने आई और ठीक करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए जो तुम जैसी अच्छी बेटी मिली, और एक अभागा मेरा बेटा जिसने तुम जैसे हीरे की कदर नहीं था। मैं उसकी माँ हूं, लेकिन फिर भी कहूंगी आप वो तेरे काबिल नहीं है। बड़ी माँ, वो डॉक्टर ने कहा है ना आपको स्ट्रेस नहीं लेने के लिए, अब आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है ना, मैं आती हूँ। पुचकी, तू यहाँ रहेगी तो, और अगर ब्यूटी को पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा ना आप चिंता मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। और बड़ी माँ रही ब्यूटी की बात, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना आपका ना मेरा ना किसी और का। बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और अगर आपको कुछ हो गया ना मैं पूरी दुनिया चला दूंगी। यहां स्वर्ग मिलेगा हृदय, स्वर्ग। एक बार जरा चक्कर मारकर देख तो सही, एक से बढ़कर एक परिया मिलेगी यहाँ। और नहीं तो क्या हृदय, इसलिए तो हम तुझे यहां लाए हैं। देख, इस स्वर्ग में सैर करेगा ना, याद करेगा हमें। क्यों बड़ी माँ, मैं आती हूँ। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग
मेरे लिए मेरा स्वर्ग सिर्फ मेरी अस्मिता जी, सिर्फ उन्हीं के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ। मेरे दादा, मेरा बड़ा भाई जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला, उनसे लड़कर, उन पर हाथ उठाकर यहाँ पर सिर्फ अस्मिता जी को ढूंढने के लिए आया हूँ। क्योंकि इतने अपनों के बीच सिर्फ वही एक बराई है जो अपनी निकली, बाकी सारे अपने तो बस पराये से हो गए यार। मुझे सिर्फ मेरी अस्मिता जी से मिलवा दो यार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे हाँ हाँ, मिलवा देंगे, एक नहीं जितनी चाहिए उतनी अस्मिता से मिलवा देंगे। हाँ, एक से बढ़कर एक अस्मिता मिलती है। क्यों गाइस, चल 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 चल। हृदय नहीं, नहीं हृदय यहां नहीं हो सकता। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। तेरी बीमारी में वो पिता ना आए, ऐसा हो नहीं सकता चंद्राने। कहाँ है वो? उसे नहीं पता, अगर उसे पता होता तो वो जरूर आती। बता कहाँ है वो?
मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ है वो।